सुल्तान को जिनको का शुरुआती ओवर में एक तरफ वहां पर जसीम रहमान स्ट्राइक में खेला गेंद वाइड के साथ यहां पे शुरुआत होता हुआ मेगा फिनाले के ये मैच चैंपियन ट्रॉफी के शरीर में ये चमचमाता हुआ चैंपियन ट्रॉफी जाएगा किसका घर बताई डॉट कॉम या फिर ब्रिक्स मैक्सवेल के ब्रिगेड के बेस कोच जी घर और इस बार जसीम रहमान अपना पैरों के सहारे गेंद आएगा सरासर फील्डर के हाथों पर तो पहला ओवर की समाप्ति बोर्ड में 13 रन के बासी ने फिर एक बार जो कपूर का और एक यंग टैलेंटेड सितारा रौनक को लाया गया है कि बासी में एक उभरता हुआ सितारा कल शाम दो मुकाबला में बहुत ही शानदार गेंदबाजी किए थे लेकिन सामने कौन प्रिंस मैक्सवेल पर गति के चलते डॉट कराते हुए दूसरा गेंद लेकिन शानदार फील्डिंग एक बार एक नाउ और ये खूबसूरत सा मैदान बॉय चंडी वर्ल्ड कप का मेगा फिनाले चौथा देते हुए अगर भैया कहते हैं ना वो शेर ही क्या जो अपने खोया हुआ जगह पर चलिए इस बार हल्का सा खींचा हुआ के जसीम रहमान मुस्कुराते हुए तेज सहार के यहाँ पर हल्का सा गिरने के बाद गेंद यहाँ पर स्कीप किया था गति के साथ गले के साथ मिला चलिए बेहतरीन गेंद तीन ओवर के साथ पिछला गेंद पर चौका इस गेंद पर शॉट डिलीवरी लेकिन विकेट कीपर राजकुमार रिशु तैनात थे वहां पर फिर एक बार स्ट्राइक में इस बार ऑफसाइड के बाहर का गेंद वाइड बॉल का डिसीजन रन चुनेगा और प्रिंस मैक्सवेल हर एक शॉट को एंजॉय करते हुए अपने बल्लेबाजी के साथ इस बाहर को जाती है अगर शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन रन नहीं आएगा सम्मान करो ये कमाल
टीम का स्कोर यहां पर 50 होता हुआ। इस स्ट्राइक में फिर एक बार जसीम रहमान, जसीम रहमान यहां पर पैरों को खेलता रहे लेकिन चौपा भी देख रहे खामोशी चाह चुका है। चलिए जसीम क्या यहाँ पर मिस्टर पाएंगे कमाल, लगातार नजर आएगा टीम के स्कोर को कहां तक लेके पहुंचाएंगे। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 54 कोई यहां पर चौका मिलेगा। चलिए दर्शक तालियां देते हुए मधु के लिए।